जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10th की फिजिक्स से हमारे टॉपिक चल रहे थे जो कि क्लास चैप्टर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से आपने देखे हैं, बहुत अच्छा आपका रिप्लाई भी आया है। यहाँ पर देखिए आज चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है जो कि विद्युत है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए पहली ही जो आपका टॉपिक लिया है हमने वैद्युत धारा, यही बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये हेडिंग है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। आइए फिर देखते हैं क्या है। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई चालक है उसमें जो वैद्युत आवेश है यानी जो आवेश जा रहा है उसकी ही आपको दर आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। और वैद्युत धारा यानी क्यू अपॉन टी क्या होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, किसको वैद्युत धारा को, और आवेश को क्यू से और समय को टी से, इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, फॉर्मूला हो जाता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। अच्छा भैया इसका मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है गाइस, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसका मात्रक होता है, यहाँ पर लिख भी रखा है इसका मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, आप अच्छे से जानते हैं अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है। सदिश राशि वे होती है जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशि होती है। और वे राशियां जिनमें परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर देखिए एमीटर, ये तो आप अच्छे जानते हैं एमीटर क्या होता है, कि विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा नापने की या मापने का जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं एमीटर कहते हैं, यानी वह यंत्र जिसकी सहायता से हम वैद्युत धारा किसी चालक में वैद्युत धारा को मापते हैं वही हमारा क्या कहलाता है एमीटर कहलाता है। और ये सभी आपके घर में यूज होते हैं, अच्छे से आपने देखे भी होंगे। तो गाइज एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइज, ये पहला जो है आपका वैद्युत क्षेत्र। अच्छा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, किसी विद्युत आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, ये आवेश है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जगह है, ये आवेश। अच्छा इस प्रकार से समझिएगा कि यहाँ पर कोई बदमाश आदमी है, ये कोई यहाँ पर क्या है, कोई बदमाश आदमी है। अच्छा बदमाश आदमी की आपने देखा होगा एरिया एरिया होती है, यानी उसका कहाँ से कहाँ तक का अधिकार होता है, मान लिया कोई ये चीज है, ये एरिया उसके अंडर में आती है, कोई बदमाश आदमी है और ये एरिया उसके अंडर में आती है। तो यहाँ पर जब कोई देखता है, अब डेफिनेशन क्या कह रही है, किसी विद्युत आवेश के परितः यानी इसके जो बदमाश है उसके परितः कोई ऐसा आवेश है, ऐसा आवेश का प्रभाव है, यानी ऐसा उसकी एरिया उसका इतना प्रभाव है कि वहाँ पर किसी प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है कि कोई बाहर से आता है, मान लिया ये कोई आदमी है बाहर से आता है, उसको पता लगता है यहाँ पर तो उसका राज चल रहा है, ठीक है, कोई राजा है, राजा मान सकते हैं कि यहाँ तक उसकी प्रजा का राज है, तो वहाँ पर एक अलग ही उसका प्रभाव देखने को मिला, तब उसको क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर हो जाता है। किस से कि कोई राजा है, उसके राजा के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसका उसकी शक्तियों का प्रभाव होता हो, यानी यहाँ तक के ये पूरी एरिया है यहाँ तक उसका प्रभाव चलता है, इससे आगे इसका प्रभाव नहीं चलता, यानी ये एरिया इस प्रकार इतनी एरिया है कि यहाँ तक इसका राज चलता है, इसकी बात मानी जाती है, जो राजा कहता है वही होता है, तो वही क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, उस राजा का क्षेत्र कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि एक आवेश है, आवेश के परिधि यानी उसके आवेश के चारों का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके आवेश का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि यहाँ तक उस आवेश की उसका प्रभाव देखने को मिलता है, यही क्षेत्र उसका क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर देते हैं, ये क्या है, ये गाइस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपका अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको आप इस तरह बना लीजिएगा, ये क्या है वैद्युत विभव के नाम से भी आता है और इस नाम से भी आता है, यानी एकांग धनावेश को, किसको एकांग धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर
होता है, या फिर ये कह सकते हो कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत क्षेत्र नहीं वैद्युत विभव कहलाता है। अब करते क्या है, यहाँ पर देखिए आपको एकांक धनावेश को अनंत से, हम कह सकते हैं भी अनंत का मतलब कहीं भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एकांक धनावेश है, ये हमारा एक एकांक धनावेश है, यानी एक आवेश है जिस पर धनावेश लगा हुआ है जो धनात्मक है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका कहीं भी हो सकता अनंत पर है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अब ये वैद्युत क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र कैसे कहते हैं, ये हमारे क्या है वैद्युत क्षेत्र है। और अनंत से यहाँ पर समझिएगा कि एकांक आवेश को, हमें नहीं पता कि कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है, तो एकांक धनावेश को जो कि कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, उसको वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु यानी वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी बिंदु का मतलब है वो बिंदु कहीं भी हो सकता है। डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर देखिए कोई धनावेश था, अनंत पर स्थित था, हमको नहीं पता कितनी दूरी पर था, लेकिन हम उसको पकड़ कर कहाँ लेकर आए, वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए, और वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ले आए, ठीक है। किसी बिंदु पर हम ले आए किसको, धनावेश को, कहाँ से, अनंत से उठा कर लेकर आए हैं, तो जितना कार्य उसको लाने में लगा वही हमारा वैद्युत विभव के बराबर होता है, या वैद्युत विभव कहलाता है। अच्छा अब वैद्युत विभव का मात्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए कितना आपने कार्य किया था और उस आवेश को लाने में, यहाँ पर देखिए कार्य क्या होता है, मात्र जूल होता है, ये क्या था आवेश था, तो आवेश का मात्र क्या होता है आपका, आवेश का क्या होता है कूलाम होता है, कूलाम होता है, तो क्या हो जाता है वी बराबर जूल प्रति कूलाम, ये आपको हो जाता है मात्रक। अच्छा इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, दूसरा इसका मात्रक क्या हो सकता है, वोल्ट हो सकता है, और यह भी एक अदिश राशि है, और अदिश राशि मैंने आपको बता दिया है अदिश राशि किसे कहते हैं। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, अब यहाँ पर देखिए गाइस ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, नहीं मैं दो ही हेडिंग इम्पोर्टेंट है, पहली वैद्युत विभव और दूसरा वैद्युत विभवांतर, और थोड़ी सेम सेम सी डेफिनेशन है, इसको आपको अच्छे ध्यान से देना है। अच्छा वैद्युत विभव क्या था, अच्छे से आप समझ चुके हैं और हो सकता है आपको याद भी हो गया हो, यानी किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अनंत पर स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये आपका वैद्युत विभव के बराबर होता है। इस प्रकार से याद करें कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोले आप कि एकांक धनावेश को अनंत पर स्थित किसी भी बिंदु से कहाँ तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी जितना आपको कार्य करना पड़ता है वो वैद्युत विभव के बराबर होता है, या उसको वैद्युत विभव कहते हैं। अच्छा अब आता है वैद्युत विभवांतर, सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, वहां पर अनंत से लाना पड़ रहा था, यहाँ पर क्या है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसमें कहीं अब आपको अनंत दिखाई नहीं देगा, उसमें आपको अनंत दिखाई देगा कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव था, लेकिन इसमें क्या है एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए यदि धनावेश क्यू जीरो को बिंदु वी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य आपका डब्ल्यू हो, तब बिंदु ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वी ए माइनस वी वी डब्ल्यू अपॉन क्यू, और आप अच्छे जानते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो किसको कहते हैं, हम वैद्युत विभव को नहीं वैद्युत विभवांतर को, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू का मान क्या लिखते हैं, मात्रक जूल, क्यू का मान कूलाम, तो क्या मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको वोल्ट भी कहते हैं, मात्रक दोनों के सेम है गाइस, तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइस आता है आपका वोल्ट मीटर, ये तो सभी के घर में होगा, जिसके घर में लाइट होगी ये तो जरूर होगा, है ना। यानी वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी भी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है, और एमीटर क्या था, एमीटर वह था जब किसी चालक के बीच हम को क्या ज्ञात करना था, उसमें धारा का मान ज्ञात करना था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए और यह उच्च प्रतिरोध का यंत्र है,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए वो है ये, इस चैप्टर से तीन ही चीज़ मैंने आपको बताई है अभी तक, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और एक आपका ओम का नियम। यहाँ पर देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता या वे अपरिवर्तित होती हैं, तब क्या होता है, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यह प्रकार से आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक के पदार्थ में ताप आदि अपरिवर्तित रहें तो उस चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरे के बीच लगे हुए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। दोनों चीज़ एक जैसी हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, या एक बार मैं फिर बोल के बता रहा हूँ अपनी डेफिनेशन, उसको भी चाहे आप लिख कर याद कर सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो या फिर वे अपरिवर्तित हों, तब उसमें बहने वाली धारा I उसके सिरों के बीच लगे विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर इस प्रकार से V अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I के, या फिर I अनुक्रमानुपाती होती है किसके, V के। अच्छा यहाँ पर देखिए, अनुक्रमानुपाती का जब आप चिन्ह हटाते हो तो वहां पर एक नियतांक बढ़ जाता है, यहाँ पर हमने R का यूज किया है, ठीक है ना, जहां पर R क्या है, एक नियतांक है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, तो V अपॉन I, क्यों, ये I गुणा में है, इधर को भाग में आ जाता है, और इसका मात्रक यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है गाइस, ओम, किस प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से ओम होता है, ये इसका मात्रक होता है। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, आता है आपका विद्युत प्रतिरोधकता, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्या होता है विद्युत प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ही, यानी आपका क्या हो, 1 मीटर लंबा तार हो और उसका क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग मीटर काट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का जो प्रतिरोध होता है ना, उसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता के बराबर होता है, यानी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, रो बराबर एक सूत्र होता है R into A upon L, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है मात्रक, ओम मीटर। अब कहोगे भैया ये ओम मीटर कहाँ से आया है, यहाँ पर देखिए, रो का मात्रक, बराबर आर का मात्रक गुणा ए का मात्रक बटे एल का मात्रक, अब यहाँ पर देखिए भैया, आर का मात्रक क्या होता है, आप लिखोगे कि आर का मात्रक तो भैया ओम होता है, गुणा ए क्या होता है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर होता है, एल फोर लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। अब यहाँ पर देखिए, 1 मीटर से मीटर का आपका स्क्वायर कट जाता है, बचता क्या है आपके पास, आप बोलते हो भैया हमारे पास बचता है ओम और 1 मीटर, ये हो जाता है इसका मात्रक। तो हम क्या कहेंगे कि भैया वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइज, विद्युत प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, यानी क्या प्रभाव होता है ताप का, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है विद्युत प्रतिरोधकता पर, तो ये भी आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, नंबर 1 धातुओं पर और मिश्र धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। धातुओं पर क्या पड़ता है, किसी धात्विक तार का ताप बढ़ाने पर, किसी धात्विक तार का हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, मिश्र धातुओं पर, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत
कम होती है। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस कैसा लगा आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो वो अच्छे से पहले वीडियो को देखे, अच्छे समझे, यदि समझ में आती है तभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो गाइस यदि आपका फर्स्ट वीडियो है विद्युत की, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका एक लेक्चर और बनेगा जो कि उसमें आर्टिकल होंगे और थोड़ी थ्योरी भी होगी। उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके भी लेक्चर चलेंगे। तो गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।